पेरिस में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। अब तक इस गेम में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत ने अभी तक 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं व आगे भारतीय खिलाड़ियों द्वारा और भी पदक जीतने की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक के चल रहे इन्हीं प्रतियोगिता के बीच JSW ग्रुप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल JSW ने ऐलान किया है कि जो भी खिलाड़ी देश के लिए पेरिस ओलंपिक मेडल जीत कर लाएंगे उन्हें धांसू इलेक्ट्रिक कार इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ये घोषणा JSW ग्रुप के चेयरमैन और MD सज्जन जिंदल ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत के हर ओलंपिक पदक जीतने वाले को MG विंडसर EV का इनाम दिया जाएगा। अपने इस घोषणा के दौरान आगे सज्जन जिंदल ने क्या कहा है हम आपको बताएंगे। जिंदल ने ये घोषणा अपने सोशल मीडिया पोस्ट X के जरिए किया है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि टीम इंडिया के हर ओलंपिक पदक विजेता को JSW MG इंडिया की तरफ से बेहतरीन कार MG विंस्टर उपहार में दिए जाएंगे। आगे उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा कि ये उपहार इसलिए क्योंकि हमारे सर्वश्रेष्ठ उनके समर्पण और सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। मालूम हो कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीतने वाले 3 कांस्य पदक ही शूटिंग में मिले हैं। इसमें विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है। वहीं मनु भाकर ने ही सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है और स्वप्न नील कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार पहले से ही विदेशी बाजार में बिक रही है और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। लोगों को इस कार में लग्जरी और यूटिलिटी दोनों का ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन दिया जा रहा है। भारतीय बाजार में ये कार संभावित रूप से सितंबर के महीने में आ सकती है। भारतीय बाजार में पहले से ही 2 इलेक्ट्रिक कार है। अब जल्द ही MG विंस्टर EV का प्रवेश भी भारतीय बाजार में हो जाएगा। लॉन्चिंग के दौरान भारतीय बाजार में इसकी कीमत 20 लाख रुपए के करीब में रह सकती है। चलिए अब इस इलेक्ट्रिक कार के लुक और फीचर की बात करते हैं। ये कार स्टाइलिस्ट लुक के साथ इसमें LED DR निचले हिस्से में लगे हेडलैम्प 18 इंच अलॉय व्हील्स प्लस डोर हैंडल्स और कनेक्टेड LED टेल लाइट मिलेंगे। वहीं केबिन में 15.6 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट 8.8 इंच डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले 6 वे पावर्ड ड्राइवर सीट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल रियर AC वेंट्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर इस इलेक्ट्रिक कार को और भी स्पेशल बनाते हैं। इसमें डैशबोर्ड पर वुडन और ब्रॉन्ज फिनिश दिया गया है। वहीं इसका कैबिन डार्क थीम पर तैयार किया गया है जो ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ देखने को मिलेगा। इस कार को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक सिंगल चार्ज में ये 460 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, लेकिन भारत में आने वाले EV की रेंज थोड़ी अलग हो सकती है। इसके अलावा इसमें सड़क सुरक्षा को देखते हुए 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये कार कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।